हाय एवरीवन, मेरा नाम चिंटू प्रसाद है। आप देख रहे हैं शीटेक। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ लेनोवो P2 का। सो लेनोवो P2 का MRP है 16,999 फॉर 3 GB वेरिएंट और 32 GB इंटरनल मेमोरी। ओके, और इसका और एक वेरिएंट है 4 GB और 32 GB इंटरनल मेमोरी और 4 GB रैम। उसका दाम है 17,999। ओके, तो मैंने इसे ड्यूरिंग ऑफर पीरियड मैंने लिया था और ये मुझे पड़ा 12,999 में। ठीक है, तो आइए पहले इसको अनबॉक्स करने से पहले इसके क्विक रिव्यू देख लेता हूँ, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 सिस्टम ऑन अ चिप। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है, 2.0 GHz ओक्टा कोर है और ये आपका इसके साथ एड्रीनो 506 ग्राफिक्स है और ये बहुत ही फास्ट और पावर इफिशियंट CPU है। ये फोन को डिजाइन किया गया है मेन पावर पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये पावर इफिशियंट फोन है। प्लस इसका सबसे मेन स्पेसिफिकेशन इसका बैटरी है 5100 mAh लिथियम पोलाइमर बैटरी, भी हाई डेंसिटी पोलाइमर सेल है जो कि बैकअप बहुत देर देता है। और इसके साथ ही इसमें रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी दिया हुआ है जो कि डिफरेंट वोल्टेजेस पे यूजर के डिमांड के हिसाब से वोल्टेज को अल्टर करके फोन को फास्टली चार्ज करता है। और मतलब ये बहुत ही फास्ट चार्ज करता है, ऐसा टेस्ट किया गया है कि अदर फोन की तुलना में ये फोन जो चार्ज लेता है mAh बाय चार्ज रेशियो है, रेट है, वो बहुत ही फास्ट है। और इसका 13 MP आपका रियर फेसिंग कैमरा है और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपका 5 MP का है। ठीक है, और इसमें एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले है, मतलब AMOLED डिस्प्ले है जो कि बहुत ही कलर क्रिस्प होता है और दुनिया का सबसे पतला अभी करंटली अवेलेबल डिस्प्ले है। और ये आपका बहुत ही पावर कम कंज्यूम करता है जब ये, क्योंकि ये ब्लैक को पूरी तरह डीप ब्लैक दिखाएगा और कलर को बहुत ही वाइब्रेंट कलर दिखाता है। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट इसका बहुत सही होता है। तो ये था कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन। आपको ब्लूटूथ में इसका 4.1 दिया है विथ लो एनर्जी, वाईफाई BNG एंड AC दिया है और अभी बाकी सब AC दिया हुआ है। बाकी सब सिस्टम ऑन चिप होने के कारण बाकी सब फंक्शन ऑटोमेटिक वही होंगे। ठीक है, तो आइए पहले मैं इसके बॉक्स को खोलता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले और ये वीडियो में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे एक तरह का सिक्योरिटी भी रहेगा कि अगर वो लोग बॉक्स के अंदर कुछ भी अदर आइटम भेजते हैं या मानते हैं कि फ्लिपकार्ट का गलती हो ना हो, 99 फ्लिपकार्ट तो ऐसे भी ट्रस्टेड साइट है, वो कभी ऐसा करेगा भी नहीं, लेकिन इन द केस लॉजिस्टिक टीम या कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो उस केस में मेरे पास एक इविडेंस रहेगा कि इसके अंदर कुछ मुझे अदर आइटम निकल जाए तो वो मैं ये वीडियो दिखाकर क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जागरूक बनिए और हमेशा सतर्क रहिए। और रही बात, तो ये मैं चलिए निकालता हूँ इसका लेनोवो P2 का, ये रहा। हाँ, ये उन्होंने पूरी तरह रबर बॉब कवर के अंदर भेजा है उन्होंने और ये पूरी तरह फैक्ट्री सील है। देखिए, फैक्ट्री सील है, उन्होंने अच्छी तरह पैकिंग की हुई है और देखिए चारों तरफ से कम्प्लीटली सील है। ठीक है, यहाँ पे सारा इसका डिटेल है। ये मतलब डार्क ग्रे है वेरिएंट आपका लेनोवो P2। इसका मॉडल नंबर है P2A42। ठीक है, ग्रेफाइट ग्रे कलर में है और बाकी सब तो डिटेल वो है। जैसा कि मैंने बताया था, फास्ट बैटरी दिया हुआ है विथ 25W रैपिड चार्ज के साथ और 5.5 इंच AMOLED डिस्प्ले है जो 71 मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 71% लेता है। फुल मेटल यूनिबॉडी है, मतलब एल्युमिनियम का पूरा बॉडी दिया हुआ है। उसके साथ 1 की पावर सेवर, ये फीचर है जिसमें आप एक की को पुल डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये पावर सेविंग मोड में चला जाएगा जिसमें सिर्फ आप कॉल रिसीव और मैसेजिंग कर सकते हैं, मतलब मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, कोई इंटरनेट फीचर और बाकी सब फीचर बंद हो जाएगा और CPU लो स्टेट मोड में चला जाएगा जिस कारण आपका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी क्विक। और देखिए यहाँ पे इसका MRP दिया है 16,999, लेकिन मुझे मिला है जो कि मैंने ऑफर में लिया था 12,499 में। ठीक है, और इसका बैटरी का वोल्टेज है 3.82 वोल्ट और जिसका चार्ज मैक्सिमम लिमिट है 4.4 वोल्ट और 5100 जिसका mAh है 19.48 वाटेज बैटरी है। एंड्रॉयड इसमें पहले से दिया हुआ है आपका 64 बिट, जैसा कि मैंने प्रोसेसर बताया 64 बिट का प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625। ठीक है, एंड्रॉयड इसमें 6.0 दिया गया है और जैसा कि मुझे पता है, मैंने खुद ही यूज़ किया है कि जैसे ही इसको मैं ऑन करने के बाद तुरंत आप
नेट कनेक्ट करेंगे आप पाओगे कि तुरंत 7.0 का अपडेट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये और इसमें फिंगरप्रिंट प्लस एनएफसी है, एनएफसी नियर फील्ड कनेक्टिविटी है। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, वायरलेस पेमेंट कर सकते हैं, प्लस बहुत सारे टैग को प्रोग्राम कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट इसमें फ्रंट दिया हुआ है, फ्रंट फिंगरप्रिंट बैक फिंगरप्रिंट से थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि अगर फोन मतलब लाइट मोड में लेटा हुआ है तो उस केस में आप फोन को उठाना पड़ेगा, और इसमें डायरेक्ट ऊपर रखिए खुल जाएगा, ठीक है। और चलिए मैं इसका मतलब जो फैक्ट्री सील है वो खोलता हूँ, ठीक है। उन्होंने पूरी पूरी तरह से पैकिंग की हुई है, तो चलिए मैं कोई ऐसा एरिया खोजता हूँ जहाँ से मुझे इसे कट करने में आसानी हो। तो ये और ये खुल गया लेनोवो P2। तो देखिए इन्होंने दो सील मार रखे हैं जो कि कंपनी OEM सील है। अभी सील को भी कट करता हूँ। अगर सील ना हो तो कभी भी एक्सेप्ट ना करिएगा, क्योंकि उस केस में मतलब आपको हो सकता है उसके अंदर का कंटेंट चेंज कर दिया हो। कभी भी हमेशा कुछ भी ले तो उसका प्रॉपरली सील हो तभी उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इसे क्योंकि अपवर्ड फेस अपवर्ड हमेशा रखना है, इससे क्या होगा कि मतलब फेस हमेशा अपवर्ड इसका रखना है, क्योंकि कॉन्टेंट जो होंगे वो नीचे प्लेस्ड होंगे, ठीक है। तो इसका फेस अपवर्ड रखते हुए और ये हाँ, तो ये देखिए ये पूरी तरह सील है। और ये रहा लेनोवो P2 आपका, इसका उस स्क्रीन के ऊपर उन्होंने एक प्रोटेक्शन अप्लाई करके रखा हुआ है। और इसको पहले पुलअप करते हैं, पुलअप करने के बाद अब देखिए इसको मैं साइड कर देता हूँ। उन्होंने प्रोटेक्टर अप्लाई करके रखा हुआ है और पीछे से उन्होंने SPC केस अप्लाई पहले से करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये फ़ोन का मैं आपको डिटेल मतलब दिखा देता हूँ कि किस साइड क्या दिया हुआ है। देखिए दो स्पीकर्स दिए हुए हैं, ठीक है। डाउन साइड में बॉटन में आपको दो स्पीकर दिए हुए हैं, और ये येलो कलर का USB माइक्रो B पोर्ट है, ठीक है। माइक्रो B पोर्ट है। ये पोर्ट आपको येलो क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने कस्टम चार्जर डिजाइन किया है, उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, ठीक है। इसलिए उन्होंने अलग कलर चूज किया है। और ये आपको पावर की है, आपको राइट साइड में आपको पावर की मिलता है, आपको पावर की के साथ वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन सिंगल एम्बेडेड है। और उसके बाद आपको अप साइड में आपको माइक्रोफोन यहाँ पे डाउन साइड में एक मेन माइक्रोफोन है, और ये नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, ठीक है। और देखिए पूरा मेटल है, ये एल्युमिनियम का मेटल का बॉडी है। और यहाँ पे हेडफोन के लिए आपको जैक दिया हुआ है, 3.5 mm हेडफोन जैक दिया हुआ है। इधर आपको साइड में सिम इजेक्टर टूल प्लस सिम इजेक्टर ट्रे दिया हुआ है। इसको पुश करने से यहाँ पे इंसर्ट करने से सिम निकलेगा। यहाँ पे यही है 1 key पावर सेवर बटन, ठीक है। और यहाँ पे लेनोवो का ये कवर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सिम ये हाइब्रिड ड्यूअल सिम है, यानी कि आप इसमें एक साथ या तो एक सिम और एक चिप डालिए, या तो एक सिम डालिए और एक चिप डालिए, ठीक है। और नहीं तो एक सिम दो सिम डालिए, ठीक है। तो इसमें यही ऑप्शन है, मतलब एक सिम एक चिप, आइदर एक सिम दो सिम बस डाल सकते हैं, इसमें एक साथ दोनों नहीं हो सकता। इसको हाइब्रिड सिम स्लॉट बोला जाता है, ठीक है। तो ये था, और रैपिड चार्ज के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। और ये आपको बैक में दिया हुआ है 13 megapixel का कैमरा है, जहाँ पे दिया हुआ है आपको ड्यूअल टोन LED फ्लैश, ठीक है। ड्यूअल टोन इसमें दो कलर है, येलो है और व्हाइट कलर का, जो भी जनरल फोन में होते हैं वो दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सामने में
फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, एलईडी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और ये आपका एमोलेड मतलब ये आपका लाइट एम्बिएंट सेंसर प्लस आपका ये लाइट एम्बिएंट सेंसर के साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया, जिसे आप जब भी कॉल करोगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, कॉल के दौरान कान के पास हटाओगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा। और ये आपका ईयर पीस दिया हुआ है, और ये जैसा कि मैंने बताया था 71:5 का 5.5 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि कलर बहुत क्रिस्प है। तो क्योंकि मैं अभी इसे ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपरली पहले से फुल चार्ज करूंगा उसके बाद ऑन करूंगा। ये उसके साथ आपका दिया हुआ है मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर, ठीक है, मैं तो टेम्पर ग्लास यूज करूंगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर चलिए उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ये इन्होंने सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है, ठीक है, सिम इजेक्टर टूल, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिम इजेक्टर टूल के साथ आपका इसमें क्विक स्टार्ट गाइड, हाँ क्विक स्टार्ट गाइड है, ठीक है, इसके अंदर हम मैं खोल के देखता हूँ क्या है। क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है, क्विक स्टार्ट गाइड लेनोवो का क्विक स्टार्ट गाइड है, इसमें दिए हुए रहते हैं जरूरी इंस्ट्रक्शन, इसको हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको एटलीस्ट पढ़ लीजिए। इसमें दिया रहता है कि कैसे फोन को यूज करना है, फोन के बेसिक सारे जैसे कि मैंने आपको बताया वो चीजें इसमें दी गई जानकारी दी रही रहती है, और कैसे फोन को यूज करना है और बाकी सब सार रेटिंग, और यहाँ पे वारंटी कार्ड है, और आपका ये आपका यूजर मैनुअल है जो कि मतलब हर लैंग्वेज में दिया हुआ है, मतलब कॉन्वीनियंट जो जो लैंग्वेज अवेलेबल है वो लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है। तो इसे मैं वैसे ही रख देता हूँ, साइड रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने डाटा केबल प्रोवाइड किया है, डाटा केबल का जैसा कि मैं देख रहा हूँ डाटा केबल उन्होंने सही प्रोवाइड किया है, डाटा केबल का वायर का क्वालिटी बहुत अच्छा है उन्होंने अंदर में, क्योंकि ये यूज होगा इसमें 12 वोल्ट 2 एम्पीयर के साथ, मतलब हाई करंट को हैंडल करना होगा विथ हाई वोल्टेज, पक्का ये वायर तो मजबूत दिया हुआ है, टफ है, रिजिड है, मतलब क्वालिटी बहुत ही हाई है इसका, ये केबल मुझे पसंद है। अब देखते हैं कि इसके साथ OTG दिया है, ऑन द गो ऑलरेडी इन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि OEM मतलब फैक्ट्री प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो इन्होंने OTG भी प्रोवाइड किया है। अब देखते हैं यहाँ पे उन्होंने हेडफोन भी प्रोवाइड किया है। देखिए हेडफोन का जैसा कि मैं देख रहा हूँ क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ काम चलाओ हेडफोन है उन्होंने, मतलब एटलीस्ट ना होने से अच्छा तो कुछ तो है, उन्होंने हेडफोन दिया। चलिए ठीक है, इसे भी रखता हूँ यहाँ, और देखते हैं क्या दिया है इसके साथ, ठीक है। अब देखते हैं चार्जर, ठीक है, चार्जर पे आते हैं, ये इसका मेन चार्जर है, क्योंकि ये कस्टम डिजाइन चार्जर है, और यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं, मॉडल है SC15, ठीक है, और ये आपका एसी बेल कंपनी बनाई है, मतलब 100 से, क्योंकि SMPS है तो ऑटोमेटिक है, 100 से 240 वोल्ट का होगा, 50 to 60 हर्ट्स होगा, 0.6 एम्पीयर करंट लेगा, ठीक है, इनपुट में, और आउटपुट देगा 5 वोल्ट 2 एम्पीयर और आपका यहाँ पे दिया हुआ है 9 वोल्ट 2 एम्पीयर, मतलब ये डिफरेंट वोल्टेज, जैसा कि मैंने कहा था कि डिफरेंट वोल्टेज पे डिमांड के हिसाब से ये वोल्टेज स्विच करेगा, और मैक्सिमम है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर, यानी कि 12 × 2 = 24 वाट का मैक्सिमम 24 वाट पावर प्रोवाइड कर सकता है, और ये फोन के डिमांड के हिसाब से चार्जेस मतलब करंट प्रोवाइड करेगा, जिससे फोन क्विकली चार्ज हो पाएगा, बहुत ही फास्ट चार्ज करता है और बहुत ही बेटर है। तो ये रहा इसके अंदर जो भी चीजें दी गई थी, लगभग सारी मैंने अनबॉक्स कर दी है, देख लेता हूँ इसके अंदर अगर कुछ लेफ्ट रह गया तो, जैसा कि और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही था, और ये थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।